हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि राधा कृष्ण के दिव्य संदेश, मैसेजेस, गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। अगर आप लोग राधा कृष्ण में नहीं भी बिलीव करते तो अल्टीमेटली लाइट, यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक ही है। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर में, उनके थ्रू इन मैसेजेस, गाइडेंस को जितना रेजोनेट करे उतना रिसीव कर सकते हैं। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सभी जेंडर, सभी कास्ट, सभी रिलीजियन के लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बस आपको रीडिंग शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक करना है सो दैट डिवाइन से आपकी कनेक्टिविटी और बेहतर बन जाए। और प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस और एडवाइजेस हैं। राधे राधे, राधा कृष्ण जी हेल्प कीजिए मेरे व्यूअर्स की, अपने भक्तों की। ओम नमः शिवाय। राधे राधे, स्ट्रेस का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों से आपको खतरा है। आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपसे जेलसी करते हैं, आपके वेल विशर नहीं हैं और वेल विशर होने का दिखावा करते हैं। और ऐसा है भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको लगता है, रियल में ऐसा है भी। आपको लगता है कि आपको एक एक कदम फूंक फूंक के लाइफ में रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब आपके आसपास के लोग आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वैसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं। आप बहुत डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस हैं, हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे इनसे बचूँ और कैसे अपनी लाइफ को सेट करूँ। आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, वैसी पॉसिबिलिटी भी है, जो वेल विशर होने का दिखावा करते हैं बट अंदर से आपका अच्छा तो एटलीस्ट नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि कब आपसे कोई मिस्टेक हो और वो आपको नीचा दिखाने में कोई कमी ना छोड़ें। मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस के साथ। बॉटम से अगर मैं चेक करूँ तो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। समटाइम आपको लगता है कि आपके लाइफ में ना सब कुछ स्लो हो गया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, मतलब करियर बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो नहीं कर रहा, हेल्थ है जो ठीक नहीं हो रही, वेल्थ भी बहुत स्लो एंड स्टीडी चल रही है और रिलेशनशिप में भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, चीज़ें वहीं अटक गई हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। जो आपसे रेजोनेट करे उसको रख लें और जो ना रेजोनेट करे उसको जाने दें। तो मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ ही नहीं रही हैं लाइफ में, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर। 7, 16, 24 नंबर या ये डेट्स आपके लिए, आपके किसी करीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो सकती हैं। 422, 1331 की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। राधा कृष्ण आपको कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो लोग टॉक्सिक हैं या जो लोग सेल्फिश हैं, ये उनका स्वभाव है फिलहाल का, ये उनका नेचर है, उनको आप कभी नहीं बदल सकते और ना ही बदल पाएंगे। लेकिन स्टिल इतने स्ट्रेस में रहकर तो आप अपने लिए भी कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो क्या कहेंगे लोग ये बिल्कुल मत सोचिए। क्या सोचेंगे लोग वो भी लोगों को सोचने दीजिए, वो सोचने का काम भी आपका नहीं है। आपको बस सोचना है तो सिर्फ इतना कि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल और ग्रेट कैसे बनाना है और उसी पे आगे बढ़िए। बेझिझक होकर बिना टेंशन के लाइफ में आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो लोग हों या ना हों वो मैटर नहीं करता, आपके साथ राधा कृष्ण हैं ये मैटर करता है।
आप किसी का खुद से बुरा करो नहीं और डिवाइन आपका बुरा होने नहीं देगी, वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। बस इसी विश्वास के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। राधे राधे। यहाँ पे राधा कृष्ण आपको कहना चाहते हैं, आप एक ब्यूटीफुल, ब्राइट और एनलाइटेंड सोल हो। आप एक ऐसी सोल हो जो खुद काफ़ी अवेयर और अवेकेंड है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, इम्पैथ है, लोगों की भलाई करते हो अनकंडीशनली आप, और यही आपको करती रहने हैं। अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे चलते हैं तो उनसे गरीबों की मदद कीजिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो गरीबों की सेवा कीजिए, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइन का बार बार शुक्रगुजार कीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम में अच्छे रिलेशनशिप मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में। आपकी लाइफ करोड़ों, मिलियन, अरबों लोगों से बहुत बेटर है। तो बस फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको समझना है कि आपकी लाइफ करोड़ों, मिलियनों, अरबों लोगों से बहुत बेटर है, और उस चीज़ के लिए डिवाइन का बार बार शुक्राना जरूर करना है। जो आपके पास है, अभी भी कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो नहीं है। सो सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से बार बार नॉइज़ आ रहा है, सो सॉरी फॉर दिस। तो डिवाइन आपको कह रही है कि आप बहुत ही अबंडेंट हैं, और रेस्ट, एक चीज़ की कमी तो हर एक की लाइफ में होती है। कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ऐसा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में सब कुछ पूरा हो जाए ना, तो ज़िंदगी को आगे जीने का पैशन नहीं रहता, कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती, कुछ पाने की चाहत नहीं रहती, उद्देश्य ख़त्म हो जाते हैं, तो लाइफ जीने की एनर्जी ख़त्म होने लगती है। जब तक लाइफ में आपके कुछ उद्देश्य हैं, कोई खालीपन है फ्रेंड्स, तब तक ज़िंदगी जीने का मन आपका करेगा। जब लाइफ में सब कुछ अचीव हो जाता है ना, तो आफ्टर डैट ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं करता, रियलिटी यही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कृष्णा आपको, राधे कृष्णा आपको कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ों में आप सक्सेसफुल हैं, उन चीज़ों के लिए शुक्राना ज़रूर व्यक्त करें एंड उन चीज़ों को इन्जॉय करें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें नहीं हैं आप 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते रहें और अपने मन में, दिल और दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस को क्रिएट करते रहें। चिंता चिता समान होती है, ये सबने सुना होगा, तो चिंता का रोग बिल्कुल भी मत लगाइए, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको लेकर एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर वर्क कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 आपको उन्हीं चीज़ों की टेंशन में डूबे रहना है, और जो चीज़ें आपके पास बहुत अच्छे से हैं उनको भी स्पॉइल कर लेना है। नॉट लाइक दिस, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि श्री राधा कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये ब्यूटीफुल सा मैसेज श्री राधा कृष्ण के तरफ से आपके लिए है। तो अपनी अबंडेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी ग्रोथ को इन्जॉय करें, ठीक है। परेशान बिल्कुल ना हो। आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपके क्लोज वंस आपको समझना शुरू करेंगे, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी एंड आपके रिश्ते आगे ग्रो करेंगे। एंड डेफिनेटली आपको क्या करना है, कुछ ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, कुछ गरीबों की मदद करनी है, और वहीं अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई हीलिंग सीखना चाहते हैं, या लोगों की हीलिंग करना चाहते हैं, या खुद की हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी आपको एफर्ट्स लगाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग जाने पहचाने और आप लोगों की ओपनली सेवा कर सकें, तो डेफिनेटली आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए है। आप एक ब्राइट सोल हैं, आप खुद भी शाइन करेंगे और औरों की लाइफ में भी रोशनी भरेंगे, ऐसी यहाँ पर वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो बस यहाँ पे नेगेटिविटी क्या है कि स्ट्रेस, कुछ लोगों की लाइफ में तो सब कुछ सही है, तब भी लगता है कि पता नहीं क्यों स्ट्रेस दिमाग से जाता ही नहीं।
तो ऐसे में आप लोग मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्री होकर घूमिए, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, एंटरटेन थोड़ा सा कीजिए खुद को, अपनी सोल को, एंड साथ ही में थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो क्यों घबरा रहे हैं फ्रेंड्स, जब आपके पास यूनिवर्स है। कुछ लोग बहुत अलोन फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ भी ठीक कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके आसपास कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ दिल का हाल बांटा जा सके, जिसके साथ सब कुछ खुल के कहा जा सके, जिसके साथ या जिसके भरोसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा जा सके। तो फ्रेंड्स, जिनके पास ऐसे रिश्ते हैं भी, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो परमानेंट चलेंगे, क्योंकि परमानेंट तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाइए, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए, और आपके पास नो मैटर कोई रिश्ता अभी है या नहीं, इट डजेंट इम्प्लाई कि फ्यूचर में कोई ऐसा नहीं होगा, 110% होगा। लेकिन अभी आपके पास यूनिवर्स है, जो कि सबके पास नहीं होता। अभी आपके पास आपके जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हो, राधा कृष्ण की अगर बात करें तो राधा कृष्ण अभी आपके साथ हैं, आपके बहुत ही पास हैं, बहुत ही करीब हैं। तो जो भी मन में बातें हैं, जो भी अधूरापन है, उनके साथ शेयर कीजिए। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड बहुत कुछ अच्छा आप लोग लाइफ में क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि जिसके साथ भगवान है उसका कोई बुरा कर नहीं सकता, ठीक है। और ऑब्वियसली आप बहुत शाइन करने वाले हो, आपके प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस कबूल होने वाली हैं, और लाइफ में सब कुछ कंप्लीट होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। ट्रैवल की एनर्जी है, कहीं घूम कर आओ, कहीं मेडिटेशन करो, कहीं वेकेशन स्पेंड करो, हैप्पी रहो, योगा सीखो, योगा सिखाओ। एंड अगर आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो जिम ज्वाइन करने का, योगा सीखने का या योगा सिखाने का, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो फ्रेंड्स? अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो किसके लिए निकालोगे? थोड़े से कामों को छोड़ो, अपने लिए टाइम निकालो, और अपनी हेल्थ पर, वेल्थ पर, फाइनेंसेस पर, करियर पर, अपने लुक पर, मेकओवर पर फोकस करो, अपनी सोल पर फोकस करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, या फिर करवाओ आपको नहीं आती तो, और डेफिनेटली डिवाइन के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बनाकर रखो। मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, बहुत ही ब्यूटीफुल से मैसेजेस उन्होंने दिए हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू श्री राधे कृष्ण, थैंक यू जिस भी यूनिवर्स को, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो। यूनिवर्स तो एक्चुअली में वन है, लेकिन लोग अलग अलग सुप्रीम पावर्स में बिलीव करते हैं, तो उनका शुक्राना जरूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।